छह महीने बाद चुनाव है तो आप अभी भी या तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दो कि मैंने उस समय झूठे आरोप लगाए थे तो हम समझ जाएगी कि आपने झूठ बोला था। आज कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात करते हैं और हर मंच पर निशाना होते हैं आदरणीय पायलट साहब और हम लोग जो लोग बैठे हैं। जितना इनका भाषण मुख्यमंत्री जी का 4.5 साल का सुन लो, उनका एक ही मकसद है कि पायलट साहब और ये लोग पार्टी छोड़कर चले जाए और हमारे लोग पीछे से उस पर राज कर ले। साथियों, ये कांग्रेस पार्टी हमारे पूर्वजों ने खड़ी की है, हमारे दादा परदादाओं ने वोट देकर इस कांग्रेस पार्टी को इतना बनाया है। हम कहीं नहीं जाएंगे, यही छाती पर मूंग दलेंगे और यही रहेंगे। आज हर सुबह उठकर सत्ता में बैठे लोगों का एक सुबह उठते ये सवाल होता है कि आज पायलट साहब क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे हैं, जाके मंच पर फिर उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और वो भाषा जो हम लोगों ने किसी राजनेता के मुंह से नहीं सुनी। आज जिस मुद्दे को लेकर पायलट साहब निकले हैं उसको समझने की जरूरत है। पेपर लीक हुआ, किसने पेपर लीक किया? साथियों, पेपर लीक करने वाली संस्था, जिस संस्था को आदरणीय सोनिया गांधी जी ने इस देश को नौजवानों को अधिकार देने वाले नेता राजीव गांधी जी के नाम से बनाया था, राजीव गांधी स्टडी सर्कल, उसकी शिक्षा में हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में उसके कैंपों में भाग लिया है और जब राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोग ही पेपर में शामिल है, लीक करने में शामिल है, तो कहां कांग्रेस की बात रह गई, कहां सोनिया जी और कहां राजीव गांधी जी की बात रह गई? जो दलाल पकड़ा गया उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जैसा पायलट साहब ने कहा और बात खत्म हो गई। कटारा को किसने नियुक्ति दी, इस बात पे सवाल उठेगा। आज गांव से जो लोग एक एक दो दो लाख रुपए लगाकर इन कोचिंगों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो सवाल पूछेंगे कि सुभाष गर्ग का नाम इसमें क्यों नहीं आया, क्योंकि वो आपका प्रिय है, कौन है पारासर और जारोली? इस बात का सवाल जनता पूछेगी और हम भी पूछेंगे। जो कार्रवाई करनी हम पे करें और जो आप लोगों को जो भाषा में बोलना है आप लोग बोले। मैं आदरणीय पायलट साहब से यही कहना चाहूंगा कि पायलट साहब, ये नौजवान आपको याद रखेगा और इस यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम लोग फिर वोट मांगने जाएंगे तो जिन लोगों को सुनना नहीं है उनसे कोई नहीं पूछेगा। पायलट साहब, आपसे लोग पूछेंगे कि जब भविष्य खराब हो रहा था नौजवानों का तो आप घर में क्यों बैठे थे, तब उनके पास कहने के लिए टाइम नहीं होगा। वो नेता जिसकी कहां पढ़ाई हुई, किस परिवार में पैदा हुए, 5 साल इस राजस्थान की सड़कों को एक एक घर घर जाकर इन्होंने छाना और आज 45 डिग्री टेम्परेचर है, 45 डिग्री, उसमें 5 दिन से यहां आए हैं, इस बात को हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। मैं आदरणीय पायलट साहब से यही कहना चाहूंगा कि पायलट साहब, जो लड़ाई आपने शुरू की है वो जिस कीमत पे खत्म हो हम लोग तैयार है, जो कुर्बानी ये लड़ाई आपकी मांगती है हम लोग तैयार हैं, जो करना है ये कर ले, लेकिन जिन मुद्दों पर आपने बात रखी है उनका जवाब सरकार से आप लोग लेकर रहे। धन्यवाद। राम राम। जय हिंद।